वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स से रिलेटेड, जिनका पिक्चर आपकी स्क्रीन पे एंड यहाँ पे अवेलेबल है। आज इनके बारे में हम बात करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, इनके लिटरेरी करियर और लाइफ से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चंस के फॉर्म में इनका पूरा डिस्कशन होगा, तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का आप सभी के लिए, और स्पेशली एमपी ग्रेड वन, एमपी टेट ग्रेड वन, डी ट्रिपल एस पी, एलटी ग्रेड, डीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के एग्जाम्स से रिलेटेड और सभी तरीके के इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम से रिलेटेड ये हमारी क्लास है। तो चलिए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एडमंड स्पेंसर, उसके बाद शेक्सपियर को पिक करेंगे एंड आफ्टर दैट विलियम वर्ड्सवर्थ। ऐसे ही हमारे अपकमिंग डेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी आप इसी चैनल पे, जो कि अलग अलग राइटर्स को हम पिक करके उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कोलैबोरेट करके बनाएंगे, जो इकट्ठे दो तीन राइटर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो अलग अलग जगह पे आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो एडमंड स्पेंसर का टाइम ड्यूरेशन हम आपको बताएं 1552 से लेकर के 1599 का ये टाइम ड्यूरेशन है एडमंड स्पेंसर का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। Edmund Spenser is known for his epic poem that is called Fairy Queen. Epic poem Fairy Queen के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ये उनकी important poem है। तो चलिए हम start करते हैं session को आप सभी के साथ में with the first question we have here on the screen. Spenser's primary purpose or motto in writing the Fairy Queen was, Fairy Queen से related ही हमारा पहला question है कि Spenser का जो motto था फेरी क्वीन लिखने का वो क्या था, व्हाट वाज द मोटो, प्राइमरी मोटो ऑफ राइटिंग फेरी क्वीन बाय स्पेंसर, ये क्या मोटो था, किस पर्पस से, किस बेसिक मोटो को ध्यान में रखते हुए ये पोयम उन्होंने लिखा हुआ है। और इसके आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू फैशन ए जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वेरियस एंड जेंटल डिसिप्लिन इज द मेन मोटो, प्राइमरी पर्पज है ये स्पेंसर का, एडमंड स्पेंसर का, जो कि फेरी क्वीन लिखने के लिए उन्होंने उनको एक तरीके से प्रेरित किया, एक तरीके से उनको इंस्पायर किया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पे रहा, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट, ये कोटेशन जो है पोएट्स पोएट, ये किसने एक तरीके का फ्रेज एडमंड स्पेंसर के लिए डिनोट किया है, इसका आंसर दीजिए आप सभी। Who called Spenser the poet's poet? Poet's poet, Spenser को किसने बोला है? Option A Charles Lamb, Option B Dr. Johnson, Option C Matthew Arnold, या Option D है T.S. Eliot. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए, ओके, चार्ल्स लैम ने बोला है एडमंड स्पेंसर के लिए कि दैट ही इज द पोएट्स पोएट, ओके, चार्ल्स लैम कॉल्ड एडमंड स्पेंसर पोएट्स पोएट, क्लियर है ये सभी चीजें आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पे रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स, ग्लोरियाना क्या है फेरी क्वीन में, इसने किसको रिप्रेजेंट करा हुआ है, ग्लोरियाना जो कैरेक्टर है फेरी क्वीन एपिक पोएम का, तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए कैथोलिक चर्च, ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ, या ऑप्शन सी है मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, या एन बोलेन। तो हु इज द कैरेक्टर जिसका कैरेक्टराइजेशन ग्लोरियाना के थ्रू एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में किया हुआ है, इसका आंसर आप सभी दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है जो कि स्क्रीन पे रहा आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, यहाँ पे हम क्वीन एलिजाबेथ करेंगे, ये करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस फॉलोड बाय एन अलेक्जेंड्रिन इज कॉल्ड, 8 आयम्बिक पेंटामीटर जो एक किसी स्टैंजा में होती है उसके साथ साथ एक और लाइन होती है जो कि अलेक्जेंड्रिन बुलाई जाती है, अलेक्जेंड्रिन बोला जाता है, तो आप मुझे इसका आंसर करिए कि विच वन इज दैट स्टैंजा फॉर्म कॉल्ड,
ऑप्शन ए है राइम रॉयल, या ऑप्शन बी है ओटावा रेमा, या ऑप्शन सी है सोनेट, या ऑप्शन डी है स्पेंसेरियन स्टैंजा. विच वन इज दैट? गो फॉर द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्पेंसेरियन स्टैंजा जो कि एडमंड स्पेंसर ने यूज करा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं स्पेंसेरियन स्टैंजा में, वो 9 लाइंस होती हैं. ठीक है, ये 9 लाइंस होंगी. और इसके साथ ही साथ लाइन लाइंस में 8 लाइंस जो होता है, जो फर्स्ट 8 लाइंस होंगी वो क्या होती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं. ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन आर इन आयम्बिक पेंटामीटर. उसके बाद जो हमारी होती है 9 लाइन, 9th लाइन जो होती है, या लास्ट लाइन जिसको बोले हम, इज इन एलेक्जेंड्रिन. ओके, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 12 सिलेबल्स होते हैं. ये 12 सिलेबल्स होता है इस लाइन में, 9th लाइन में 12 सिलेबल्स होते हैं. तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और इसके राइमिंग पैटर्न को, स्टैंजा पैटर्न को आप ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु कॉल्ड मिल्टन द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? चाहे आप इसको मिल्टन से रिलेट करके पढ़ो या स्पेंसर से रिलेट करके पढ़ो, किसने मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला है, इसका आंसर आप दीजिए मुझे. हु कॉल्ड मिल्टन पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ऑप्शन ए है चार्ल्स लैम, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी है सैमुअल जॉनसन, या ऑप्शन डी है जॉन ड्राइडन. हु कॉल्ड मिल्टन द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी. ओके, जॉन ड्राइडन हैड सेड दिस लाइन, दिस कोटेशन अबाउट मिल्टन, कि पोएटिकल सन बोला है स्पेंसर को, स्पेंसर का मिल्टन को उसके. तो ऑप्शन डी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन डी, पोएट्स पोएट जो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, वो बोला है चार्ल्स लैम ने. पोएट्स पोएट, स्पेंसर इज द पोएट्स पोएट. ओके, ये बोला है एडमंड स्पेंसर के लिए. इसका हमने लास्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करा है इससे रिलेटेड, तो ये आप ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पे आप सभी के लिए है. इन विच वर्क डज स्पेंसर डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड? वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड, ये किस वर्क में स्पेंसर ने डिस्क्राइब किया हुआ है चौसर के लिए? तो चलिए इसका आंसर मुझे करिए आप सभी. और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एस्ट्रोफिल इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय स्पेंसर इन द मेमोरी ऑफ? किसकी मेमोरी में जो ये पोयम है एस्ट्रोफिल, ये किसकी पेस्टोरल एलेजी है, ये किसकी मेमोरी में स्पेंसर ने लिखा हुआ है, इसका आंसर करिए. एस्ट्रोफिल, ठीक है, ये एक तरीके की हमारी एलेजी पोयम है, आपको इसका आंसर देना है किसकी मेमोरी में ये उन्होंने लिखा हुआ है. एंड द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सिडनी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन ए, फिलिप सिडनी, जिसके बारे में यहाँ पे उनकी डेथ पे ये पोयम लिखी गई है, पेस्टोरल एलेजी है, फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी है. किसने? स्पेंसर ने लिखी है. नेम क्या है उस पेस्टोरल एलेजी का? दैट इज एस्ट्रोफिल. किस ईयर पब्लिश हुआ है ये भी नोट डाउन कर लीजिए, 1595 में पब्लिश हुआ है. ठीक है, दिस वॉज पब्लिश इन द ईयर 1595. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजा? आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस, कौन सी ऐसी पोयम है जो कि स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है. मींस स्पेंसर के अलावा बाकी अदर राइटर्स ने स्पेंसेरियन स्टैंजा का यूज करा हुआ है. आपको इसका आंसर देना है कि किस अदर राइटर ने स्पेंसेरियन स्टैंजा में ये पोयम लिखी हुई है, कौन सी पोयम लिखी हुई है उसको बताना है आपको. कि वो पोयम है माई लास्ट डचेस, ऑप्शन बी है लिसिडास, या ऑप्शन सी है एडोनिस, ऑप्शन डी है जॉन डोन. विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी. एडोनिस इज द पोयम जो पेस्टोर, ये एलेजी पोयम है. एक इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट
नोट डाउन कर लीजिए, एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. ओके, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स किसने लिखी है? एडमंड स्पेंसर ने. ओके सॉरी, इसको लिखा है शेली ने. यहां मैं लिख दे रही हूं रिटन बाय शेली. ठीक है, शेली ने लिखा है और 1821 में ये पब्लिश हुआ है. ठीक है, 1821 में ये बुक जो थी, ये पोयम जो थी वो पब्लिश हुई है. इसी सेम ईयर इनकी डेथ हुई थी. ओके, तो इसका ये करेक्ट आंसर रहा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अगला क्वेश्चन हमारा है, टू हूम डिड स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन. अपनी फेरी क्वीन को जो पोयम थी, इनकी एपिक पोयम, उसको एडमंड स्पेंसर ने किसको डेडिकेट करते हुए लिखा है? आंसर करिए आप सभी. ऑप्शन ए टू क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन बी टू क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन सी टू क्वीन ऑफ इंग्लैंड, या ऑप्शन डी है क्वीन ऑफ फ्रांस. विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए. क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट करते हुए ये पोयम एडमंड स्पेंसर ने लिखी है, और ग्लोरियाना का कैरेक्टर जो था वो एलिजाबेथ का कैरेक्टर था इस एपिक पोयम द फेरी क्वीन में. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा आप सभी के लिए, हाउ मेनी लाइन्स आर इन स्पेंसेरियन स्टैंजा. स्पेंसेरियन स्टैंजा में टोटल नंबर ऑफ कितनी लाइन्स होती हैं? इसका आंसर करिए. ऑप्शन ए है 7, या ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी 8. विच वन इज द करेक्ट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर. आपको बताना है कि कौन सा, कितनी लाइन्स में स्पेंसेरियन स्टैंजा जो होती है वो लिखी जाती है. क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो 9 लाइन्स में लिखी जाती है स्पेंसेरियन स्टैंजा. ठीक है, 9 लाइन्स की ये पोयम होती है. जो 9 लाइन्स होती हैं एक स्टैंजा में होता है. ठीक है, स्पेंसेरियन स्टैंजा इन लाइन लाइन्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. ये रहा हमारा क्वेश्चन अगला जो स्क्रीन पे है आप सभी के लिए. द फेरी क्वीन इज बेसिकली अ मॉरल एलेगरी. फ्रॉम होम डिड स्पेंसर डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल एलेगरी. आपको बताना है कि जो फेरी क्वीन है, एपिक पोयम है, ये एक तरीके की मॉरल एलेगरिकल पोयम है. अब इसमें बताना है कि ये कॉन्सेप्ट जो था स्पेंसर ने मॉरल एलेगरी का, वो कहाँ से अडॉप्ट किया था, या कहाँ से, किससे इंस्पायर होकर के वो इन्होंने ये पोयम लिखी थी मॉरल एलेगरी के ऊपर. ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है वर्जिल, या ऑप्शन डी है होमर. विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए मीन्स एरिस्टोटल से इंस्पायर होकर के ये उन्होंने मॉरल एलेगरी जो था वो कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल से इंस्पायर होकर के ये लिया था. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, वो है हमारा स्पेंसर्स एमोरिटी इज. स्पेंसर की जो ये पोयम है एमोरिटी क्या है, ये इसका आंसर आपको देना है. किस तरीके की ये पोयम है आपको बताना है. एमोरिटी जो है वो बुक है, वो कलेक्शन ऑफ हिज लव सोनेट्स है, या अ कलेक्शन ऑफ हिज लव लिरिक्स, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, या नन ऑफ दीज. चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका जल्दी से मुझे आंसर करिए. दैट इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, अ कलेक्शन ऑफ हिज लव सोनेट्स. ओके, एमोरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स. टोटल नंबर ऑफ 89 सोनेट्स हैं इसमें, लव सोनेट्स हैं, जो कि स्पेशली अगर इसकी बात करें तो ये जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा था वो अपने जो कोर्टशिप एंड मैरिज थी एलिजाबेथ बॉयल से, उनकी वाइफ जो थी, उनके लिए लिखा था. ठीक है, एलिजाबेथ बॉयली इनकी वाइफ का नेम था, तो इनके लिए ये पोएम्स जो लव सोनेट्स था, सोनेट का एक साइकिल था उसको लिखा हुआ है. तो इसको हम अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स बोलेंगे. 89 सोनेट्स टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडेड है. एमोरिटी की अगर पब्लिकेशन की बात करें तो ये पब्लिश जो हुई है ये 1595 में हुई है. ठीक है, 1595 में ये पब्लिश हुई है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा. टू होम डिड एडमंड स्पेंसर एड्रेस हिज सोनेट सीक्वेंस एमोरिटी. अभी हमने बात की इस क्वेश्चन की बारे में, इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में लास्ट क्वेश्चन में, तो जरूर इसको मुझे मेंशन कर दीजिए जल्दी से कि जो टू होम एडमंड स्पेंसर एड्रेस हिज सोनेट सीक्वेंस एमोरिटी. एमोरिटी जो सोनेट सीक्वेंस है स्पेंसर का, वो उन्होंने किसको एड्रेस करते हुए लिखा था? आंसर बताइए, मैरी जेन, क्वीन एलिजाबेथ, लीसा बॉयले, या एलिजाबेथ बॉयल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी हमने बात की, तो आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा करेक्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एलिजाबेथ बॉयलिस उनकी वाइफ थी, स्पेंसर की वाइफ थी, इसमें लिख दे रही हूं मैं.
एडमंड स्पेंसर्स वाइफ. ओके, अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे हमारा. स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज प्लान टू बी कंप्लीटेड इन 12 बुक्स बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट इट ओनली. जो बेसिकली इनका प्लान था एडमंड स्पेंसर का इस पोयम को लिखने का, वो था कि ये पोयम मैं पूरा कंप्लीट करूंगा क्योंकि एपिक पोयम है तो ऑब्वियसली मैं इसको पूरे नंबर ऑफ 12 बुक्स में कंप्लीट करूंगा. बट आपको ये बताना है कि ये कितने बुक्स में कंप्लीट हुई है, इसका आपको आंसर करना है. तो इसके आंसर की तरफ जल्दी से मुझे बताइए कि विच वन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए बुक वन में इसको कंप्लीट करा है, या ऑप्शन बी है बुक फोर 6 बुक्स में है, या ऑप्शन डी है आपका 10 बुक्स में. इन हाउ मेनी बुक्स एडमंड स्पेंसर हैज कंप्लीटेड, हाउ मेनी बुक कंप्लीटेड फेरी क्वीन, मीन्स कितनी बुक्स कंप्लीट करने पे इन्होंने ऐसे लिखी थी, आपको इसका आंसर करना है. तो इसके अगर कंप्लीट बुक की बात करें फ्रेंड्स, तो एपिक पोएम जो होती है बेसिकली वो 12 बुक्स में लिखी जाती है. बट इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 12 बुक्स में ये लिखी हुई है इन्होंने. अब इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा आंसर इसका कि ये 6 बुक्स में लिखी है. 6 बुक तो कंप्लीट है, 1-6 बुक्स, और 7th जो बुक थी वैसे 7th बुक में लिखी है, बट 7th बुक वॉज अनफिनिश्ड. ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी. तो इसीलिए अगर कंप्लीट बुक की बात करते हैं तो वो 6 बुक्स ही हैं. फर्स्ट 6 बुक्स वर कंप्लीट ऑफ एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन. और ये बात करते हैं तो फेरी क्वीन जो पहले पब्लिश हुई थी फर्स्ट 3 बुक्स में के साथ, ये 1590 में पब्लिश हुई है. ठीक है, और उसके बाद 4th-6 बुक है, ये थी पब्लिश हुई 1596 में. 1596, ओके. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिएगा. 1590 में ये हुई थी इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी, ये था इनका 1-3 बुक्स जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है. इसके बाद 4-6 बुक जब पब्लिश हुई वो 1596 में पब्लिश हुई है, और टोटल नंबर ऑफ 6 बुक्स में ये कंप्लीट हुई थी. इट वॉज नॉट कंप्लीटेड लाइक अदर एपिक पोएम वी हैव. तो इस तरीके से ये पोयम इनकम्प्लीट है जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अगला क्वेश्चन है, टू हूम डिड स्पेंसर राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री लेटर एक्सप्लेनिंग द प्लान एंड पर्पज ऑफ हिज फेरी क्वीन. किसको एडमंड स्पेंसर ने एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री लेटर लिखा था एक्सप्लेन करते हुए कि वो ये फेरी क्वीन क्यों लिख रहे हैं, इसका पर्पज क्या है, प्लान क्या है, इसको किसके लिए उन्होंने किया था. ऑप्शन ए है सर वॉल्टर रैले, ऑप्शन बी लॉर्ड ओरमॉन, या ऑप्शन सी है टू लॉर्ड लाइसेंस्टर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सर वॉल्टर रैले. अगला क्वेश्चन है, स्पेंसर डिवाइडेड हिज सीफूड्स कैलेंडर इनटू 12 वीकलॉग्स, व्हाई डिड ही डू सो. ऑप्शन ए बिकॉज ही डिजाइंड टू डिवाइड हिज फेरी क्वीन ऑल्सो इनटू 12 बुक्स. ऑप्शन बी बिकॉज 12 वॉज सपोज टू बी स्टैंडर्ड नंबर फॉर लॉन्ग एलिगरी. ऑप्शन सी है बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एंड ऑप्शन डी है इट इज डिजाइन सो रिक्वायर्ड, इट्स डिजाइन सो रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई ही हैड रिटन दिस इन 12 वीकलॉग्स. तो स्पेंसर के सेफोर्ड्स कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आपको देना है. सेफोर्ड्स कैलेंडर, ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए बी सी डी में से विच वन इज द राइट आंसर, तो दैट इज ऑप्शन सी. देखिए वीकलॉग्स जो होता है वो मंथ को डिनोट करते हुए यहाँ पे लिखा गया है, तो ये सेफर्ड्स कैलेंडर जो है कैलेंडर का नेम दिया गया है इसको, और ये 12 मंथ्स को डिनोट करता है, और इसी वजह से इसका जो मेन पर्पज था क्योंकि 12 मंथ्स में जो है इसीलिए यहाँ पे 12 वीकलॉग्स जो रिप्रेजेंट करते हैं ईच मंथ ऑफ अ ईयर. ठीक है, ईच मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, साल के 12 महीनों को यहाँ पे 12 इकोलॉग ने ईच इकोलॉग में रिप्रेजेंट करा हुआ है, इसीलिए इसको देर आर 12 मंथ्स इन ईयर, दैट्स व्हाई देर आर 12 इकोलॉग्स इन दिस शेफोर्ड्स कैलेंडर. पब्लिकेशन ईयर की बात करते हैं, इसको पब्लिक कब किया था,
1579 में, ठीक है, 1579 दिस वॉज पब्लिश्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और बात करते हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, तो 1564 से 1616 तक का टाइम ड्यूरेशन विलियम शेक्सपियर का था। सबसे पहले इनकी जो बर्थ हुई थी इसी ईयर में हुई थी, मतलब इनके बर्थ की बात सबसे पहले करेंगे 1564 में, डेथ ईयर इज 1616। ओके, इस टाइम ड्यूरेशन में आप इस एक लिटररी फिगर की बात करें, एक जायंट फिगर की बात करें, जो एक फेमस पर्सनालिटी है इंग्लिश लिटरेचर में, वर्ल्ड लिटरेचर में, विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे, नरेटिव पोएम्स लिखी हैं, इसके साथ ही साथ क्रॉनिकल प्लेज लिखे हुए हैं, हिस्टोरिकल प्लेज जिसकी बात कर रहे हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक प्लेज, सोनेट्स, इन सब का एक तरीके से आप ब्लेंड करो और आप इनकी पर्सनैलिटी और इनके लिटररी करियर को देखोगे तो ये एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी का राइटर है, पोएट है, ऑथर है, ड्रामेटिस्ट है, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर को दिया। तो चलिए बिना डिले किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और आपके पास टाइम होगा आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहा, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 27 या ऑप्शन डी है 58। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, मीन्स शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में या उनका जो एक लिटरेचर का जो जीवन था एक लिटरेरी फिगर के रूप में, उसमें कितने प्लेज का कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया हुआ है, कितने प्लेज लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, न्यू एस्पिरेंट्स, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, नए बिगनर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स को अभी अपीयर करने वाले हैं अपने अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ में, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम करेंगे दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। आपके पास टाइम था, आप 2 मिनट का या आप 30 सेकेंड का टाइम होगा, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी करोगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 37 प्लेज शेक्सपियर हैड रिटन, जिसमें से आप उनके ट्रेजिक प्लेज भी देखोगे, ट्रेजेडी रिलेटेड जो प्लेज लिखे हुए हैं, कॉमेडी प्लेज लिखे हुए हैं, ट्रेजिक कॉमेडी लिखा हुआ है, इसके साथ ही साथ आप हिस्टोरिकल प्लेज भी देखोगे, हिस्टोरिकल प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिन्होंने ड्रामा में इस तरीके के प्लेज शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। अगला बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा है शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, बताइए जो शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज लिखी हुई हैं, जो भी उन्होंने ड्रामा ट्रेजिक ड्रामा लिखा हुआ है, आप बताइए उसमें डोमिनेंट नोट क्या है, मीन सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट जो एक नोट है जो सबके ऊपर सबसे भारी है, सबके ऊपर है, वो क्या है? डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इन सुपीरियर, या कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या कैरेक्टर हैज नो रोल, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बताइए जल्दी से इसका आंसर। और इसके आंसर की तरफ हम चलेंगे फ्रेंड्स, तो हम 2-3 सेकंड का आपसे वेट कर लेते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर दो और कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर करने के साथ साथ इसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। दैट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ठीक है। कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज द मोस्ट डोमिनेंट नोट इन द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज एवरीथिंग, और कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका जो कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे आप हैमलेट की बात कर लो, तो हैमलेट का जो कैरेक्टर है वही उसका डेस्टिनी है। दिस इज द डोमिनेंट नोट ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। गॉट इट? क्लियर है आप सभी के लिए? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय, लेस, ये किसने शेक्सपियर के लिए बोला है? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बताइए। ऑप्शन ए है सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, या ऑप्शन सी, यहाँ पे डी पे मैं लिख देती हूँ वर्ड्सवर्थ। ओके, किसने ये कोटेशन स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का जो कोटेशन है ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला है इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन वॉज द क्रिटिक जिन्होंने बोला है शेक्सपियर के लिए ही नोज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दिस इज द
Correct answer. This phrase, small Latin and less Greek, is referred to Shakespeare by Ben Jonson. कभी question में ये पूछा जा सकता है कि Ben Jonson's phrase या Ben Jonson had talked about this phrase, famous phrase, small Latin and less Greek, about whom? Means Ben Jonson ने small Latin and less Greek जो ये quotation है, phrase है, ये किसके लिए दिया है या किसको refer करते हुए लिखा है, तो वहाँ पे आप answer करोगे William Shakespeare का. ऐसा question आपका reverse करके पूछ सकता है exam में. अगला क्वेश्चन जो हमारा है, डिफीट ऑफ आर्मेडा इन, द डिफीट ऑफ आर्मेडा हैपेंड इन द ईयर, विच ईयर? ऑप्शन ए 1588, ऑप्शन बी 1589, ऑप्शन सी 1852 या ऑप्शन डी है 1577. विच वन इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस? तो करेक्ट जो आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन ए 1588. ओके, 1588 पे आप टिक कर लीजिएगा. ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, फोर्थ क्वेश्चन है आई थिंक इस इंपॉर्टेंट वीडियो का. ठीक है, डिफीट ऑफ आर्मेडा हैपेंड इन द ईयर 1588. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वॉज, शेक्सपियर का जो कंटेम्प्रेरी पोएट, कंटेम्प्रेरी मीन्स उनका समकालीन, क्या बोलते हैं? समकालीन. ठीक है, समकालीन जो था वो कौन था? शेक्सपियर का समकालीन पोएट कौन था या ऑथर कौन था? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी चौसर, एलियट या बेन जॉनसन. चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है इसका, जल्दी से आंसर करिए आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में. ऑप्शन ए बी सी डी, मिल्टन, चौसर, एलियट एंड बेन जॉनसन, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा. ओके, Ben Jonson was the contemporary of the William Shakespeare. Okay, William Shakespeare के contemporary थे Ben Jonson. Okay, क्योंकि देखिए अगर इनके time duration की हम बात करते हैं Ben Jonson के, तो Ben Jonson का जो time duration था वो था हमारा 1572 से लेकर के 1637. ये Ben Jonson का time duration था. ठीक है, birth एंड डेथ ईयर. ओके, ये डेथ ईयर थी इनकी. और शेक्सपियर का क्या था? 1564 से लेकर के 1616. ओके, तो आप, ये शेक्सपियर का टाइम ड्यूरेशन है. तो यहाँ पे अगर कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं तो वो मिल्टन नहीं होंगे, क्योंकि मिल्टन का जो ये हुआ था, बर्थ हुआ था, वो 1608 में हुआ था बर्थ. ठीक है, और ये 1674 में इनकी डेथ हुई थी. ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन है मिल्टन का. चौसर का आप जानते हो 1330 से 1400 का टाइम ड्यूरेशन था ये चौसर का. और एलियट तो मॉडर्न एरा के पोएट थे. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा कि मिल्टन जो थे वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोएट थे, कंटेम्प्रेरी ऑथर थे. नहीं, वो बेन जॉनसन थे. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन है, द क्वीन कमेंडेड शेक्सपियर टू सो फॉलस्टैफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन इज दैट? शेक्सपियर के प्ले को कमेंट करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए क्वीन एलिजाबेथ ने ये शेक्सपियर को बोला है कि फॉलस्टाफ जो कैरेक्टर है, जो एक कॉमिक कैरेक्टर है, उसको लव में आप दिखाइए. मीन्स उसको एक ऐसा प्ले आप क्रिएट करिए या जिसमें वो एक लवर के रूप में हो, लवर के फॉर्म में हो, उसका कैरेक्टर एक लवर का हो. तो उस को ध्यान में रखते हुए शेक्सपियर ने कौन सा प्ले लिखा हुआ है, इसका आंसर करिए आप सभी कमेंट सेक्शन में. ऑप्शन ए मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, ऑप्शन बी फॉलस्टाफ मैरिज, ऑप्शन सी है हेनरी फोर्थ पार्ट फोर या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए है. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर इज द करेक्ट आंसर, जिसमें शेक्सपियर ने फॉलस्टाफ को एक लवर के रूप में दिखाया है. फॉलस्टाफ इन लव, दैट इज द प्ले रिलेटेड टू मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर. अगला क्वेश्चन है, अदर्स अबाइड ओवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, बहुत ही फेमस एक कोटेशन है, फेमस लाइन है. आपको बताना है हु सेड दिस अबाउट हुम. ठीक है, किसने किसके लिए ये बोला है? आप ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि हम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हो जाओगे कि ये शेक्सपियर के लिए तो है ही, ये शेक्सपियर के लिए कहा है किसी ने, बट किसने कहा है ये आपको बताना है इसके साथ ही साथ. बट अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका सेपरेटली पूछा जाता है तो वहां पे आप यहाँ
बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अदर्स अबैड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये शेक्सपियर के लिए ही है. ओके तो ऑप्शन ए क्या है, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ अबाउट शेक्सपियर, या बेन जॉनसन अबाउट शेक्सपियर, या एर्नॉल्ड अबाउट शेक्सपियर. किसने किसके लिए बोला है, एर्नॉल्ड ने शेक्सपियर के लिए बोला है, या बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए बोला है, या वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के लिए बोला है, या वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए बोला है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है. ठीक है, एर्नॉल्ड, मैथ्यू एर्नॉल्ड, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा, ग्रेट पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, एक पेसिमिस्टिक पोएट थे विक्टोरियन एरा के. तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, मैथ्यू एर्नॉल्ड. ओके, मैथ्यू एर्नॉल्ड हैड सेड दिस लाइन अबाउट शेक्सपियर. ओके तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लो आप सभी. अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, कहाँ पे ये लोकेटेड है विलेज, जहां पे स्ट्रैटफोर्ड, जहां पे इनका बर्थ हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो किस जगह पे लोकेटेड था, वार्विकशायर या हार्टफेल्डशायर, डर्बीशायर या नन ऑफ दीज. इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है आप सभी के लिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए. और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको टाइमली अलर्ट मिलता रहे जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे, या कोई नई लाइव क्लास आप सबके लिए ऑर्गेनाइज की जाए तो आप यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल रहो क्लास लेने के लिए. ओके तो स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, ऑप्शन ए इज द आंसर, वार्विकशायर. ओके वार्विकशायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो वीडियो का सेशन ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको कैसा लग रहा है, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बनता है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. अगला क्वेश्चन है, विच इज सेट टू बी लिरिकल ट्रेजिडी, लिरिकल ट्रेजिडी इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है, ऑप्शन ए रिचर्ड सेकेंड, ऑप्शन बी हेनरी फोर्थ, ऑप्शन सी ट्वेल्थ नाइट, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. विच वन इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन, विच वन इज अ लिरिकल ट्रेजिडी. देखिए ट्रेजिडी जो लिखा हुआ है शेक्सपियर ने, उसमें से लिरिकल ट्रेजिडी की बात हो रही है, मीन्स पोएटिक लाइन्स का ज्यादा यूज हुआ है उसमें, वो पूरी तरीके से पोएटिक लाइन्स के थ्रू लिखी गई है, लिरिक्स का यूज करा गया है. उस कौन से ट्रेजिडिक प्ले में इस बारे में बात हुई है या ऐसा लिखा गया है, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे आपका है क्वेश्चन जो ऑप्शन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है एवरीवन वो हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, रिचर्ड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ओके रिचर्ड सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. ऑलराइट, वी हैव द अनदर क्वेश्चन, शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट इज अ, क्या है शेक्सपियर का जो ये प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट, ये किस तरीके का प्ले है, ग्रेट ट्रेजिडी, रोमांटिक ट्रेजिडी, या लिरिकल फेयर्स, या प्रोज एपिक, विच वन इज दिस, गो फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस वर्क ऑफ शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्ले है, स्टार्टिंग प्ले अगर बात करते हैं शेक्सपियर का, तो बताइए. तो ये हमारा है ऑप्शन सी. ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लिरिकल फेयर्स है, लव्स लेबर लॉस्ट है जो लिरिकल फेयर्स, लिरिकल फेमस का फेयर्स का मतलब जो आप समझ लीजिए कॉमिक प्लेज होते हैं, वो कॉमेडी से रिलेटेड, वो इनका जो होता है वो एंटरटेन करते हैं ऑडियंस को, और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं, रेडिकुलस होते हैं, तो यहाँ पे उसको फेयर्स बोलते हैं, लिरिकल फेयर्स, दैट इज ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर, लव्स लेबर्स लॉस्ट इज अ प्ले दैट इज रिलेटेड टू दिस, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है, विच इज सेट टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, अगर शेक्सपियर के फर्स्ट ट्रेजेडी की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, अथेलो, हैमलेट, किंग लियर एंड टाइटस एंड्रोनिकस, विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए. और मुझे बताइएगा जो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी हुई है शेक्सपियर ने, उनका सीक्वेंस क्या है, मतलब जो ओथेलो, किंग लियर, स्मर्च एंड साथ ही साथ मैकबेथ एंड हैमलेट, ये प्लेज हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, किस किस मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखना है इस चारों प्ले को,
जो ग्रेट ट्रेजिडीज हैं शेक्सपियर की उसके बारे में बात कर रही हूँ, और बाकी मैं इस क्वेश्चन में जो बात कर रही हूँ वो बात हो रही है कि फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर इज, विच वन इज द फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का फर्स्ट ट्रेजिडी जो है, ट्रेजिक प्ले कौन सा है जो रिगार्ड किया जाता है इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, टाइटस एंड्रोनिकस इज द फर्स्ट ट्रेजिडी। अगर इसकी बात करें, ये शेक्सपियर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्ले है जो कि लिखा गया है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये 1594 के आसपास इसकी परफॉर्मेंस जो हुई है ये लिखा गया है, इसके बीच बीच में ये 1588 से 1593 के मिड में लिखा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। और इसका कोलेबरेशन वर्क अगर बात करें तो ये कोलेबरेशन वर्क था जॉर्ज पेले के साथ में लिखा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। टाइटस एंड्रोनिकस जॉर्ज पेले के कोलेबरेशन में लिखा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन। कोरस जो किसी प्ले को इंट्रोड्यूस करता है, एक कैरेक्टर होता है कोरस का जो बताता है कि ये प्ले किसके बारे में है या किससे रिलेट करता है ये प्ले, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में कोरस को इंट्रोड्यूस करा हुआ है। किंग हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकेंड या मैकबेथ, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप सभी मुझे आंसर कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में और चैट बॉक्स में। आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किंग हेनरी फिफ्थ वो प्ले है जिसमें कोरस को शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस करा हुआ है। बाकी आप क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फास्टस में देखोगे जो कोरस होता है वो प्ले को इंट्रोड्यूस करता है और एंड भी करता है, तो ये कोरस होता है जो किसी प्ले के बारे में बताता है कि ये प्ले किससे रिलेटेड है, किस या स्पेसिफिकली उसके थीम को बताता है, तो यहाँ पे किंग हेनरी फिफ्थ इज दी प्ले। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट एडिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स वॉज डेडिकेटेड टू। शेक्सपियर के सोनेट का जो लास्ट सीक्वेंस था, लास्ट जो एडिशन था, मीन्स 127 से 154 सोनेट्स तक, ये किसको किया गया है। 126 सोनेट्स किसी और को डेडिकेट करते हुए शेक्सपियर ने लिखा हुआ है और 127 से 154 सोनेट्स ये किसी और को, तो लास्ट एडिशन इसी के बारे में बात हो रही है। आप बताइए मिस्टर डब्ल्यू एच या डार्क लेडी मैरी पिटॉन या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या ऑप्शन डी फेयर यूथ, विच वन इज द करेक्ट आंसर। इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए और इसके आंसर की बात करेंगे फ्रेंड, दैट इज ऑप्शन बी। डार्क लेडीज को डेडिकेट करते हुए ये सोनेट्स लिखे गए हैं, डार्क लेडी, ठीक है, मैरी पिटॉन, एंड साथ ही साथ 126 नॉवेल्स जो है, सॉरी सोनेट्स जो है वो मिस्टर डब्ल्यू एच एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हैम्पटन को डेडिकेट करते हुए लिखा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन 154 सोनेट्स में से इतने सोनेट्स किसको डेडिकेटेड है इनको और इतने सोनेट्स हैं डार्क लेडी। अगला क्वेश्चन है, द सबटाइटल ऑफ ओथेलो इज, ओथेलो का सबटाइटल क्या है, इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे। द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द मोर ऑफ वेनिस, द मैड मैन या जेलेसी इनकार्नेट, विच वन इज द करेक्ट आंसर। द सबटाइटल ऑफ ओथेलो इज, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सबटाइटल क्या है जल्दी से मुझे आंसर बताइए ओथेलो का, तो इसका जो सब टाइटल है ऑप्शन बी है, द मोर ऑफ वेनिस, वेनिस का मोर होता है ओथेलो, तो यहाँ पे ये हमारा सब टाइटल होगा द मोर ऑफ वेनिस, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपको टीजीटी पीजीटी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा हमारा, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड।
द प्रिलूड ये वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, आप सभी जानते हो। आपको बताना है किस ब्रिटिश यूनिवर्सिटी को फिगर आउट किया गया है इस प्रिलूड वर्क में जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क प्रिलूड में, और प्रिलूड का जो अदर टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, दिस इज द अनदर टाइटल ऑफ दिस वर्क। एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। 1798 में इसको स्टार्ट करा था लिखना, और इसको पब्लिश हुआ है, ये जो वर्क है इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है इन 1815 विद 14 बुक्स। तो बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। प्रिलूड में कितने नंबर ऑफ बुक्स थे? 14 बुक्स में ये डिवाइडेड है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये जो वर्क है ये इसको अनदर टाइटल जो दिया गया है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये भी दिया गया है। और ये पोयम जो है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे रहा। इन वर्ड्सवर्थ प्रिलूड द बॉय ऑफ विनैंडर इज अफेक्टेड बाय, द बॉय ऑफ विनैंडर जो प्रिलूड में है ये किससे अफेक्टेड है? ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी डीफनेस, या ऑप्शन डी म्यूटनेस या लेमनेस। ऑप्शन फोर ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट आंसर है, इनको जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूटनेस। मीन्स वो म्यूटनेस से परेशान है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका एक्सप्लेनेशन अगर डिस्कस करें तो बॉय ऑफ विनैंडर एपिसोड इन द बुक फिफ्थ ऑफ द प्रिलूड, बुक फिफ्थ में प्रिलूड के इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। इन विच पोयम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। बहुत ही फेमस लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग। आपको बताना है कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये किस आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोयम में ये लाइन अपीयर होती है। हम डिस्कस यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज के इस एग्जाम में मिलेगा। तो जल्दी से मुझे शेयर कर यहाँ पे इसका, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इमोर्टेलिटी। ओड में आपको इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज अ पोयम कंपोज्ड इन 1804। कब कंपोज हुई है? 1804 में। ओके, दिस वॉज कंपोज्ड इन 1804। तो इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को। और इमोर्टेलिटी ओड का अगर फुल टाइटल की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की पोएट्री है वो किस वजह से इन्फ्लुएंस्ड है, किसका इफेक्ट उस पर ज्यादा पड़ा है, किस चीज का? द नेपोलियनिक वॉर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या पुअर लॉ, किसका पड़ा है? आप मुझे इसका आंसर दीजिए ए बी सी डी में से, विच वन इज द करेक्ट आंसर। नेपोलियनिक वॉर्स का इसका इफेक्ट पड़ा है, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, या पुअर लॉज, विच वन इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब है इसको अगर हम बताते हैं तो ये टाइम था 1789 का, 1789 वाज द टाइम, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी पे टिक कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ है 1789 में हुआ है, सिग्नलाइज्ड द अराइवल ऑफ न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ, वर्ड्सवर्थ को किस पोएट के रूप में जाना जाता है? माइनिंग डिस्ट्रिक्ट पोएट,
यहाँ विवरली रीजन का, या लेक डिस्ट्रिक्ट का, या लैंसेस्टायर का रीजन का। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहाँ के पोएट जाने जाते हैं, किस नेम से उनको हम जानते हैं, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए बी सी डी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड, वो हम अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो लेक डिस्ट्रिक्ट से जाने जाते हैं, ऑप्शन सी इज द आंसर। और लेक डिस्ट्रिक्ट के नेम से कितने पोएट्स जाने जाते हैं इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, वहां पे मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स हु आर दे, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, हु आर दे नेम इन कॉमेंट, ओके, नेम इन कमेंट बॉक्स पे आप आंसर करिएगा कि कौन से पोएट्स हैं जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स के नेम से जाने जाते हैं। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका करिएगा, ये चैट बॉक्स में कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वाज, वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स है वो क्या है, उसका आंसर करिए आप मुझे। दैट इज अ सेपरेट सप्लीमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स, the preface of the to the second edition of the lyrical ballads, ya hai the preface of the first edition of the lyrical ballads, a rejoinder to Coleridge's biographia literaria. तो इन चारों ऑप्शंस में से विच वन इज द आंसर, गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर है। जो लोग मुझे अभी इस चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज इसको एक बारी आप लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, सो दैट वी कैन गो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके इस सेशन में। और इसके साथ ही साथ आप मुझे जरूर इसको बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट वर्ड्सवर्थ प्रीफेस, ये है देखिए पूरा क्वेश्चन है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वाज, क्या था वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, a separate supplement to the lyrical ballads, the preface to the second edition of the lyrical ballads, the preface to the first edition of the lyrical ballads, or a rejoinder to Coleridge's biographia literaria. So correct answer is iska, that is option C. C hona chahiye, the preface to the first edition of the lyrical ballads, ye nahi hoga, preface to the second edition nahi. ऑप्शन सी होगा, प्रीफेस था फर्स्ट एडिशन जो था उसका लिरिकल बैलेट का, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, आई थिंक बी ही होगा, द प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन, प्रीफेस जो ऐड किया गया था इसमें लिरिकल बैलेट्स में, उस पे प्रीफेस ऐड किया गया था और ये सेकंड एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का, ओके, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी द करेक्ट आंसर। और किस ईयर में पब्लिश हुआ है लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन, मींस प्रीफेस के साथ में किस ईयर में पब्लिश हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, चैट बॉक्स में किस ईयर में पब्लिश हुआ है ये, तो ये हुआ है 1800 में, ओके, published with preface, okay? ये रहा, तो option B is the correct answer. Next question चलते हैं, screen पे है, the prelude by Wordsworth is a, जो prelude है Wordsworth का वो क्या है, it is a philosophical poem or metaphysical poem, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, या ऑप्शन डी हिस्टोरिकल पोएम, विच वन इज दिस। प्रीलूड क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था स्क्रीन पे, हमने उसके बारे में बात की, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने वहां पे आपको बताए हैं, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज एक बार रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा एंड में। तो आपको इसका आंसर करना है, द प्रीलूड बाय वर्ड्सवर्थ इज अ, दैट इज अ फिलोसॉफिकल पोएम, मेटाफिजिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, हिस्टोरिकल पोएम, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑब्वियसली दैट इज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, जिसमें वर्ड्सवर्थ की ये पोएट्री थी 1850 में ये पब्लिश हुई है, 1850 पब्लिश्ड, ओके। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इज द अनदर टाइटल सब टाइटल ऑफ दिस वर्क द प्रीलूड 1850, बहुत ही एक मैग्नम ओपस वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज ओरिजिनली कॉल्ड, क्या था, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज द टाइटल ऑफ द वर्क ऑफ द वर्ड्सवर्थ, एंड इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था जब ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ है, तो इसको क्या दिया गया था टाइटल, ऑप्शन ए लीच गदरर, ऑप्शन बी लामिया,
ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे करिएगा जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। साथ ही साथ कि अपकमिंग डेज में हम डिस्कस करेंगे इसी सेम चैनल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे अलग अलग ऑथर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर चलिए बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए लीच गदरर। ओके, लीच गदरर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 का ये वर्क है, जो कि ओरिजिनली इसको लीच गदरर नेम दिया गया था, बाद में इसका नेम पड़ा था रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे फ्रेंड्स, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डो, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। कहां पे इन लाइन का अपीयरेंस मिलता है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ऑप्शन ए लूसी ग्रे, सॉरी टू लूसी पोयम में, या टू मेलांकली, टू ऑटम, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, फ्रेंड्स आंसर करिए मुझे जल्दी से। तो मुझे इसका आंसर करिए, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, दिस लाइन अपीयर्स इन अ पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट इज टू लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्रीलूड। देखिए फिर से क्वेश्चन आपका प्रीलूड से आ गया, प्रीलूड एक इंपॉर्टेंट वर्क है वर्ड्सवर्थ का, तो आपको इसका बताना है व्हाट इज द सबटाइटल। इसका सबटाइटल क्या था, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, The growth of poet's intellect, the growth of poet's mind, या option A है the growth of poet's brain, option D none of these, and the correct we have here is the option C. Okay, option C is the correct answer. The growth of poet's mind is the subtitle of this work of William Wordsworth. Next question screen पे है, what is the complete title of poem Intimation? देखिए इंटीमेशन पोयम है जो अभी हमने बात की थी, कि कभी कभी सब टाइटल या इसका फुल टाइटल भी पूछ सकते हैं पोयम का, तो आप मुझे इसका फुल टाइटल बताइए। इंटीमेशन जो पोयम थी वर्ड्सवर्थ की, उसका फुल टाइटल क्या है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड 1803-6, ऑप्शन बी ओड ऑन इंटीमेशन 1803-6, ऑप्शन सी है ओड टू इंटीमेशन फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ यूथ 1803-6, या none of these. इन चारों options में से which one is the correct answer? Go for the right answer, friends. और इन चारों option का correct answer मुझे बताइए. The complete title of the poem Intimation. Complete title Intimation poem का क्या है? इसका answer मुझे comment section में दीजिए. And the answer is option A. Yes. Ode Intimation of Immortality from Recollection of अर्ली चाइल्डहुड होना चाहिए यहाँ पे, yes, ये थोड़ा सा इसमें स्किप है, अर्ली चाइल्डहुड और 1803-6, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, व्हाट इज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द रूथ, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, द अर्थ, या नेचर एंड पेन, विच वन इज द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, The influence of nature is the correct answer. The root, जो ये work है William Wordsworth का, इसका alternative title है The influence of nature. अगले question की तरफ बढ़ते हैं हम सभी। इसमें in which poem Wordsworth calls a child best philosopher, mighty prophet, and seer blessed? ये line है, आपको बताना है कि किसको बोला है Wordsworth call a child best philosopher, mighty prophet, and seer blessed? With whom he called it ode to divinity, या immortality, intimation of immortality, या prelude, या none of these. जल्दी से answer करिए आप सभी इसका question का, और description जरूर एक बार check कर लीजिएगा, description पे important videos के link आपको मिलेंगे, और channel को subscribe भी जरूर साथ ही साथ करते चलो आप जी। तो answer है यहाँ पे option C, okay? Option C is the answer. प्रीलूड में इस बारे में बात की है वर्ड्सवर्थ, इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रोफेट एंड सीयर ब्लेस्ड, दैट इज ऑप्शन सी प्रीलूड। ओके, ऑप्शन सी प्रीलूड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोयम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक। ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड। आपको इसका आंसर बताना है कि किस ईयर में वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोयम थी जिसका नेम था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड
एन इवनिंग वॉक ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है? इसका आंसर करिए आप सभी मुझे। ऑप्शन ए 1786, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी है 1788 या ऑप्शन डी है 1793। विच वन इज द आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन का आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, 1793 वॉज द टाइम। ये थी टाइम ड्यूरेशन जब वर्ड्सवर्थ ने अपनी फर्स्ट पोयम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक पब्लिश की थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको टिक करूं तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन? किस ईयर में मैरी हचिंसन जो उनकी वाइफ हुई उससे शादी हुई थी? आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए 1796, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1802 या ऑप्शन डी है 1804। विच वन इज द करेक्ट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड्स। इसका मुझे आंसर जल्दी से बताइए। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन? दैट इज द आंसर ऑप्शन सी, 1802 वॉज द टाइम। ओके, 1802 का टाइम था जब इनकी शादी हुई थी इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था ये, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ रिवर्स करके एक बार आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में बात की है। ओके, तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो ऑन।